सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम करेंगे इन कलर पेंसिल्स को टेस्ट। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम करेंगे इन कलर पेंसिल को टेस्ट। सो मैंने ड्राइंग ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है, दिखाती हूँ मैं आपको। सो इस बार मैंने कोई पोर्ट्रेट नहीं बनाई है क्योंकि ये बहुत कलरफुल ड्राइंग है। सो इससे हमें सारे कलर्स का पता चल जाएगा कि कौन से कलर कैसे हैं। एंड कलर पेंसिल मैंने रिसेंटली ही बाय करे एंड मैं कलर पेंसिल में अभी तक मैं काम नहीं करती हूँ, मुझे अच्छे से नहीं आता इनमें काम करना। सो ट्राई करेंगे एंड इससे पहले भी मैंने ट्राई करा था बट उसका रिजल्ट कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा आया था। सो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी उसका रिजल्ट कैसा आया था। पहले हम इनको टेस्ट करेंगे इस पर। एंड ये वाटर कलर पेंसिल्स हुई स्टेडलर लूना वाटर कलर पेंसिल्स। सो इसके साथ आपको ब्रश भी मिलेगा जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। सो ये है वो ब्रश। सो ये है इसकी रेफरेंस फोटो। सो इससे देख के मैं इसमें कलरिंग करूंगी क्योंकि देख सकते हो आप इसमें कलर्स बहुत ज्यादा है। सो मैं अभी इतना ही पोर्शन करूंगी, देखते कैसे बनता है। एंड जो ये बैकग्राउंड है ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पोस्टर वगैरह से। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा इसका बैकग्राउंड। बस इसमें एक नहीं है, शिप नहीं है, ये शिप नहीं बनाई है। बाकी ये बैकग्राउंड मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो मैं बैकग्राउंड मन नहीं कर रहा मेरा करने का, बस मैं ये फिगर पेंट करूंगी एंड ये रॉक का करूंगी बस। सो स्टार्ट करते हैं। It will eventually get better. Things will get better. And also you have to be grateful for what you have. Never be ungrateful. It's when people start to be super, you know, that's all I am. Unless everything sucks. You see you standing on. I thought you were the other one. Listen into my heart instead of my head. You find another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Forget me. I still see your shadows in my room. Take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, I must replace you. Oh, I see you setting on. I thought you were the one. Listening to my heart instead of my head. You find another one, but I am the better one. So guys, ye mera complete ho gaya. Pencil color ke saath mera experience ye hai कि पेंसिल कलर यूज़ करने में सॉफ्ट है वाले एंड ब्लेंड भी इजीली हो जाते हैं। सो वाइट कलर का मैंने यूज़ करा है ब्लेंड करने के लिए एंड क्योंकि वाइट कलर चलता नहीं है इसके ऊपर। सो फिर मैंने इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करा है। एंड मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैंने इससे पहले भी एक पोर्ट्रेट बनाई थी बट वो इतनी अच्छी नहीं बनी। सो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कैसे बनी है। सो ये कुछ इतनी सी बनी एंड इसके बाद मैंने नहीं बनाई ये क्योंकि यहाँ पे जीप सा हो गया था। एंड इसके ऊपर मैंने करा फिर उसके ऊपर मैं क्योंकि ये वाटर कलर पेंसिल्स हुई तो मैंने वाटर का भी यूज़ करा एंड उसके बाद करा तो अजीब सा हो गया। सो मैं आपको दिखाती हूँ वाटर कलर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। एंड अगर आप इसमें वाटर का यूज़ करेंगे पेंसिल कलर के साथ सो आपको शीट भी उसी के हिसाब से लेनी पड़ेगी थोड़ी थिक क्योंकि मैंने तो स्केचिंग शीट ली है एंड इसके ऊपर वाटर कर रही हूँ तो ये देखो अजीब सा फुला फुला सा हो जाएगा, पतली सी शीट है इसलिए। सो अगर आप वाटर का यूज़ करेंगे तो आप वाटर कलर शीट ले सकते हैं, स्मूथ वाली लीजिएगा क्योंकि नहीं तो फिर ये ऐसा टेक्स्चर आएगा जो अच्छा नहीं लगेगा एंड फिर ब्लेंड नहीं होगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्क के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।